गम में होने का हर किसी मतलब नहीं है कि आप दूसरों को कातिल कहते फिरें। तुमने सारे गांव के सामने मुझे जलील किया था, तो माफी मांगने अकेली आई। मैं तुमसे बहुत मायूस हूं। हल्दी की तरह पीली जर्द हो रही है, जैसे तेरा किसी ने खून पी लिया हो। खैर तो है? कुछ नहीं हुआ भाभी, सब सही है। लग तो नहीं रहा। छोड़ सारे काम, इधर आकर लेट। ओहो भाभी, क्या हो गया? थोड़ा सा बुखार है, गोली खाई है, शाम तक ठीक हो जाएगा। ये थोड़ा सा है? मेरा हाथ जल गया, इतनी तप रही है तू। और कोई गोली खाई होती तो माथा ईंटों के भट्ठे की तरह गर्म ना होता। रोशन, ओ रोशन, जल्दी इधर आ, इसको डॉक्टर के पास ले जा। नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है भाभी, ठंडा पानी डालूंगी। मीनू, 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 डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आने वाले हैं। सब खैरियत तो है? उसका शुक्रिया करना था, उसने तो पूरी कोशिश की, पर रानी की इतनी लिखी थी, उस बेचारी की जिंदगी तो पूरी लिखी थी। तेरे अशरफ की फुर्ती उन्हें आदि करती, हफ्ते दो हफ्ते अस्पताल में रहने देता, अपने पैरों पर चल के आती रानी। चुप ने जालम बनाया उसे, उसके जुल्म ने मार दिया रानी को। उसने बेटी मारी, तूने ताना मारा, दोनों में नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। ये डॉक्टर ने दिए थे रानी के इलाज के लिए, अब जरूरत नहीं रही।